75वें स्वतंत्रता दिवस की सभी ग्रामवासियों व देशवासियों को हार्दिक शुभकामनाएं एवं बधाई। निवेदक आकाश राठौर, ग्राम विकास अधिकारी तपन कुमार सिंह, ग्राम प्रधान पंचायत कुडरा मजरा विकास दातागंज बदायूं। 75वें स्वतंत्रता दिवस की सभी ग्रामवासियों व देशवासियों को हार्दिक शुभकामनाएं एवं बधाई। निवेदक ब्रजेश कुमार, ग्राम विकास अधिकारी यशवती राठौर, पत्नी राममूर्ति राठौर, ग्राम प्रधान दुधारी हासिमपुर का क्षेत्र दातागंज बदायूं। 75वें स्वतंत्रता दिवस की सभी ग्रामवासियों देशवासियों को हार्दिक शुभकामनाएं एवं बधाई। निवेदक ब्रजेश कुमार, ग्राम विकास अधिकारी सावित्री देवी, ग्राम प्रधान सेजनी विकास क्षेत्र दातागंज बदायूं। 75वें स्वतंत्रता दिवस की सभी ग्रामवासियों देशवासियों को हार्दिक शुभकामनाएं एवं बधाई। निवेदक ब्रजेश कुमार, ग्राम विकास अधिकारी सुमित कुमार सिंह, ग्राम प्रधान अंधरौ विकास क्षेत्र दातागंज बदायूं। ग्राम पंचायत पलिया गुर्जर की तरफ से सभी क्षेत्र व देशवासियों को 75वें स्वतंत्रता दिवस की हार्दिक शुभकामनाएं। निवेदक ग्राम प्रधान धन सिंह देवी शाक्या, प्रधानपति राजपाल शाक्या, ग्राम पंचायत पलिया विकास क्षेत्र दातागंज जनपद बदायूं। नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूज वर्ल्ड इंडिया और आपके साथ मैं हूं काजोल नारायण। देश आजादी का अमृत महोत्सव मना रहा है। देश की आजादी के 75 साल पूरे हो गए हैं। स्वतंत्रता दिवस के मौके पर लाल किले में अपने भाषण के दौरान प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी अलग ही अंदाज में नजर आए। कहा, आज का दिन भारत के लिए ऐतिहासिक बताया। उन्होंने कहा कि आज एक नए संकल्प के साथ हम एक नया रास्ता अपनाएंगे। भारत की ताकत इसकी विविधता है, ये लोकतंत्र की जननी है। साथ ही उन्होंने कहा कि भ्रष्टाचार और भाई भतीजावाद, परिवारवाद देश के सामने दो बड़ी चुनौतियां हैं। पीएम मोदी ने आगे कहा कि भ्रष्टाचार देश को दीमक की तरह खोखला कर रहा है, उसे देश को लड़ना ही होगा। हमारी कोशिश है कि जिन्होंने देश को लूटा है उनको लौटना भी पड़े, हम इसकी कोशिश कर रहे हैं। आगे वो कहते हैं, जब मैं भाई भतीजावाद और परिवारवाद की बात करता हूँ तो लोगों को लगता है कि मैं सिर्फ राजनीति की बात कर रहा हूँ। जी नहीं, दुर्भाग्य से राजनीतिक क्षेत्र की उस बुराई ने हिंदुस्तान के हर संस्थान में परिवारवाद को पोषित कर दिया है। आगे आपको सुनवाते हैं लाल किले की प्राचीर से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने और क्या कुछ कहा। आप गर्मी के लिए
हमारी गुजारिश है आज हम पूरी हमारी लोगों को हम के हटके का सम्मान देंगे या युद्ध में भूमि देंगे भारत की नारी शक्ति एक नए कई नएगा आने वाले तीन साल में मेरी नारी शक्ति का पैसा हो मेरी माता और बहनों का अगर इस देश के सामने करोड़ों संकट है तो करोड़ों समाधान भी है और मेरा 130 करोड़ देशवासियों पर भरोसा है। 130 करोड़ देशवासी निर्धारित लक्ष्य के साथ संकल्प के प्रति समर्पण के साथ जब 130 करोड़ देशवासी एक कदम आगे रखते हैं ना तो हिंदुस्तान 130 करोड़ कदम आगे बढ़ जाता है। इस सामर्थ्य को लेकर के हमने आगे बढ़ना है। इस अमृत काल में जब ये अमृत काल की पहली बेला है पहली प्रभात है हमें आने वाले 25 साल को एक पल भी भूलना नहीं है। एक एक दिन समय का प्रत्येक क्षण जीवन का प्रत्येक कण मातृभूमि के लिए जीना और तभी आजादी के दीवानों को हमारी सच्ची श्रद्धांजलि होगी। तभी 75 साल तक देश को यहां तक पहुंचाने में जिन जिन लोगों ने योगदान किया उनका पुण्य स्मरण हमें काम आएगा। मैं देशवासियों से आग्रह करते हुए नई संभावनाओं को संजोते हुए नए संकल्पों को पार करते हुए आगे बढ़ने का विश्वास लेकर के आज अमृत काल का आरंभ करते हैं। आजादी का अमृत महोत्सव अब अमृत काल की दिशा में पलट चुका है आगे बढ़ चुका है। तब इस अमृत काल में सबका प्रयास अनिवार्य है। अब आज जब अमृत काल की पहली प्रभात है तो हमें इस 25 साल में विकसित भारत बना के रहना है अपनी आंखों के सामने। और जब 20 22 25 साल के नौजवान मेरे देश के मेरे सामने हैं, मेरे देश के नौजवानों जब देश आजादी के 100 साल मनाएगा तब आप 50 55 के हुए होंगे। मतलब आपके जीवन का यह स्वर्णिम काल आपकी उम्र के ये 25-30 साल भारत के सपनों को पूरा करने का काल है। आप संकल्प लेकर के मेरे साथ चल पड़िए साथियों, तिरंगे झंडे के शपथ लेकर के चल पड़िए। हम सब पूरी ताकत से लगे आए बड़ा संकल्प, मेरा देश विकसित देश होगा, डेवलप कंट्री होगा। हम 5G के दौर की ओर कदम रख रहे हैं। बहुत दूर इंतजार नहीं करना होगा, हम कदम मिलाने वाले हैं। हम ऑप्टिकल फाइबर गांव गांव में पहुंचा रहे हैं। डिजिटल इंडिया का सपना गांव से गुजरेगा, ये मुझे पूरी जानकारी है। आज मुझे खुशी है हिंदुस्तान के 4 लाख कॉमन सर्विस सेंटर्स गांव में विकसित हो रहे हैं। गांव के नौजवान बेटे बेटियां कॉमन सर्विस सेंटर चला रही हैं। देश गर्व कर सकता है कि गांव के क्षेत्र में 4 लाख डिजिटल एंटरप्रेन्योर का तैयार होना और सारी सेवाएं लोग गांव के लोग उनके यहां लेने के लिए आदि बन जाए, ये अपने आप में टेक्नोलॉजी हब बनने की भारत की जो ताकत है। मेरे प्यारे देशवासियों, ये जो डिजिटल इंडिया का मूवमेंट है, जो सेमीकंडक्टर की ओर हम कदम मांड रहे हैं, 5G की ओर कदम मांड रहे हैं, स्वास्थ्य सेवाओं में आमूल क्रांति डिजिटल से आने वाली है। किसी जीवन में भी बहुत बड़ा बदलाव डिजिटल से आने वाला है।
एक नया विश्व तैयार हो रहा है, भारत उसे आगे बढ़ाने के लिए, और मैं साफ देख रहा हूं दोस्तों, ये डेकेड मानव जात के लिए डेकेड का समय है, टेक्नोलॉजी का डेकेड है, भारत के लिए तो ये टेकेड जिसका मन टेक्नोलॉजी से जुड़ा हुआ है, आईटी की दुनिया ने भारत ने अपना एक लोहा बनवा लिया है, तो ये टेकेड का सामर्थ्य भारत के प्यास है। हमारा अटल इनोवेशन मिशन, हमारे इंक्यूबेशन सेंटर, हमारे स्टार्टअप एक नया पूरा क्षेत्र का विकास कर रहे हैं, युवा पीढ़ी के लिए नए अवसर लेकर के आ रहे हैं। छत्तरवे स्वतंत्रता दिवस की सभी देशवासियों को व दातागंज क्षेत्रवासियों को हार्दिक शुभकामनाएं एवं बधाई। निवेदक ग्राम प्रधान कुलदीप कुमार सिंह, ग्राम पंचायत विहारीपुर, अजब विकास क्षेत्र दातागंज जनपद बधाई। 75वें स्वतंत्रता दिवस के सभी ग्रामवासियों व देशवासियों को हार्दिक शुभकामनाएं एवं बधाई। निवेदक लखमेंद्र सिंह, ग्राम विकास अधिकारी दीपक कश्यप, ग्राम प्रधान पापड़ हमजापुर, विकास क्षेत्र दातागंज बधाइयों। 75वें स्वतंत्रता दिवस की सभी देशवासियों क्षेत्रवासियों को हार्दिक शुभकामनाएं। निवेदक मनवीर सिंह, ARP BRC सेंटर दातागंज जनपद बधाइयों। 75वें स्वतंत्रता दिवस के सभी ग्रामवासियों व देशवासियों को हार्दिक शुभकामनाएं एवं बधाई। निवेदक नवनीत कुमार, ग्राम विकास अधिकारी प्रेमवती पत्नी चंपत राम, ग्राम प्रधान खुकड़ी, विकास क्षेत्र समरेत बधाई। 75वें स्वतंत्रता दिवस की सभी ग्रामवासियों व देशवासियों को हार्दिक शुभकामनाएं और बधाइयां। निवेदक प्रमोद कुमार सिंह, खंड विकास अधिकारी दातागंज जनपद बदायूं। राज मेडिकल स्टोर की तरफ से 75वें स्वतंत्रता दिवस की सभी ग्रामवासियों व देशवासियों को हार्दिक शुभकामनाएं एवं बधाई। निवेदक राजकमल, ग्राम सुखा दातागंज बदायूं। 75वें स्वतंत्रता दिवस की सभी देशवासियों को व दातागंज क्षेत्रवासियों को हार्दिक शुभकामनाएं एवं बधाई। निवेदक श्रीमती सरिता राठौर, ग्राम पंचायत अधिकारी चंद्रभान सिंह, ग्राम पंचायत सराय पीप्रिया, विकास क्षेत्र दातागंज जनपद बधाइयों। 75वें स्वतंत्रता दिवस की सभी ग्रामवासियों और देशवासियों को हार्दिक शुभकामनाएं एवं बधाई। निवेदक सत्यपाल सिंह, ग्राम विकास अधिकारी किरण भारती पत्नी राजकमल, ग्राम प्रधान खानपुर दया विकास क्षेत्र समरेर बदायूं। 75वें स्वतंत्रता दिवस के सभी ग्रामवासियों व देशवासियों को हार्दिक शुभकामनाएं एवं बधाई। निवेदक सेवाराम, ग्राम विकास अधिकारी श्रीमती चमेली देवी पत्नी श्रीपाल, ग्राम प्रधान गदरौली विकास क्षेत्र समरेर बदायूं। 75वें स्वतंत्रता दिवस की सभी देशवासियों को व दातागंज क्षेत्रवासियों को उप जिलाधिकारी दातागंज की तरफ से हार्दिक शुभकामनाएं एवं बधाई। दातागंज क्षेत्र की जनता से अपील करता हूं कि आजादी के अमृत महोत्सव को हर घर तिरंगा फहराकर मनाएं एवं तिरंगा हमारा राष्ट्रीय ध्वज है, इसका सम्मान करें। निवेदक राम शिरोमणि, उप जिलाधिकारी दातागंज। शिवोम नर्सिंग होम दातागंज की तरफ से सभी क्षेत्र वासियों व देशवासियों को 75वें स्वतंत्रता दिवस की हार्दिक शुभकामनाएं एवं बधाइयां। निवेदक डॉक्टर शिव कुमार, डॉक्टर विनय कुमार, डॉक्टर प्रिया सिंह, शिवोम नर्सिंग होम।